प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं ये प्यारा सा जस्ट फॉर कीरा ब्रांड के कॉन्टेक्ट लेंस कलर। मैंने आपको बताया था ना, मुझे कॉन्टेक्ट लेंस की काफ़ी ज़्यादा इच्छा हो रही है। सो मैंने 3 डिफरेंट कलर्स लिए हैं यहाँ से। मुझे पता नहीं मुझे अच्छे लगते हैं या नहीं, हम ट्राई करेंगे। मुझे कॉन्टेक्ट अच्छे लगते हैं जो बिल्कुल मेरी स्किन पर नकली नहीं लगे। आपके साथ अनबॉक्स करती हूँ। मैं कलर्स को बिल्कुल भूल चुकी हूँ। ये पिद्दी से डब्बी है, इसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे उनको एंड देन ट्राई करेंगे। मैं ट्राई कर रही हूँ ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी लेटर। ओके, सो सबसे पहला जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ उसका नाम है आशा। होपफुली अच्छा होगा। जो मैंने पहन के रखे हैं क्लियर, उनको रिमूव कर देते हैं। वैसे ही मैं मेकअप पहनने से पहले करती हूँ, पर ये अब पैकेज आया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ट्राई करने के लिए। सो मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, तो ट्राई कर देते हैं। ये पिद्दी से डब्बी है, कलर का नाम है आशा, आशा ASA। आई डोंट नो कैसा होगा, आई एम स्केयर्ड, क्योंकि ना मैंने पहले भी ट्राई किए थे, कलर्स मुझे ना अच्छे नहीं लगे वो। वैसे इसके साथ जो टूल्स आए हैं ना, वो ज़्यादा हाइजीनिक एंड अच्छे हैं अगर आप ट्राई करना चाहें, पर मैं ऐसे ही पहन लूँगी। ओके, सो प्रिस्क्रिप्शन तो सही है। लेंस को ना वैसे सेट होने में थोड़ा समय लगता है, और बिकॉज ये प्रिस्क्रिप्शन वाले हैं तो मुझे थोड़ा ज़्यादा होता है कि मेरी आई साइट भी अच्छी हो जाए। ओह, दिस इज़ क्यूट, आई लाइक इट। Yes, I like it, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना नकली नहीं लग रहे मेरी आईज पे। ओके, सो ये वाला कलर है ना, जो ये मुझे लग रहा ब्राउन गर्ल अप्रूव है, क्योंकि हमारी आईज पे ज़्यादा नकली नहीं लग रहा है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आई लाइक इट। सो आज हम इसी को पहन के रखेंगे, बट मैं आपको दूसरे कलर्स भी बता देती हूँ हल्का सा। एंड ये 1 ईयर के लिए वैलिड होते हैं, वैलिड मतलब कि 1 ईयर के लिए गुड इनफ है, पर मेक श्योर करें कि आप बहुत हाइजीनिक तरीके के साथ इनको हैंडल करें। अगला जो मैं ट्राई करने वाली हूँ वो है नायला ग्रीन। आई डोंट नो, अभी ये ग्रीन है, मुझ पे कैसा लगेगा आई डोंट नो, आई एम स्केयर्ड। आपको ना मैं ट्राई करने के बाद मिलती हूँ पहनने के बाद। तो ये जो शेड है ये है नायला ग्रीन। मुझे लग रहा था काफ़ी डिफरेंट लगेगा मेरी आईज पे, बट नॉट सो बैड लग रहा है। एंड ये वाला लेंथ मुझे कम्फर्टेबल नहीं लग रहा, उतार के दोबारा से लगाना पड़ेगा मुझे। मुझे ना सबसे पहला वाला ज़्यादा अच्छा लगा, पर ये भी नॉट बैड है, पहन सकती हूँ मैं। लाइक मैं बहुत ऑकवर्ड एंड अनयूजुअल सा फील करूँगी पहनने के बाद, पर इसकी जो डब्बी है ना वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। मैं ना रेगुलर वाली डब्बियों में डालूँगी। अब मैं जो कलर ट्राई करने वाली हूँ वो है मौरिया ब्राउन। आई होप ये अच्छा होगा, आई रियली रियली होप। अगर बहुत ज़्यादा ब्राउन होता है ना, लाइक बिल्ली जैसा, वो नहीं मुझे अच्छा लगता। आई होप कि ये नॉट बैड हो। और मेरी बैटरी डेड हो रही है, मैं आपको पहनने के बाद ही दिखा। लेंस का कंफर्ट लेवल डिफरेंट है, और ये जो है ये ज़्यादा ही नागिन किस्म की है एंड ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। मुझे लगता है इनको पहन के मैं सबसे ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करूँगी, क्योंकि बहुत नकली हैं, पर आँखों के लिए ये सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल है। सो इसे कैसे पहनेंगे? ऐसे मैं पहन के जा नहीं सकती हूँ, जैसे मैं बहुत ही ज़्यादा शातिर ऐसे लग रहा मुझे, पर इसे मैं पहन सकती हूँ कोई मेकअप लुक्स के लिए या टिकटॉक्स के लिए या रील्स के लिए। सो ये है वो, बट इनमें वो वाला कंफर्ट लेवल नहीं है जो रेगुलर क्लियर लेंस में होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन है। पर या यू नो, सम टाइम डिफरेंट बंदा बनने के लिए आप ये पहन सकते हैं एंड ये कुछ इस तरह के लग गए। एंड इसका कलर का क्या नाम है, मौरिया ब्राउन। मुझे इससे काफ़ी उम्मीदें थी, पर ये काफ़ी ज़्यादा शैतान चंट किस्म का बंदा लग रही हूँ मैं, पर वैसी मैं हूँ नहीं। सो इसे उतार देते हैं एंड सबसे पहला जो मैंने ऐसा ब्राउन पहना था ना वो पहन लेते हैं आज। वैसे जो ग्रीन वाले हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा बुरे एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट एंड यूनिक नहीं लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं, नॉट बैड। सो इनको हमने क्लिक क्लिक बंद कर दिया है, इनको हम जोड़ लेते हैं। एंड और बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड से कॉन्टेक्ट लेंस आने वाले हैं, सो सारे का निचोड़ निकालेंगे कि कौन से आपको ख़रीदने चाहिए, अगर आप समान हैं जो कॉन्टेक्ट्स ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं। सो ओके दोस्तों, इसी तरह कॉन्टेक्ट्स का होता है अनबॉक्सिंग एंड हम शुरुआत करेंगे हमारे दिन की। और मैंने लगा मैं मेकअप थोड़ा ख़राब कर लिया है, क्योंकि आज मुझे ट्राई ऑन हॉल की वीडियो भी शूट करनी है आपके लिए।
हॉल मैंने कर दी थी, पर मैं सोच रही हूँ कि उसको ट्राई ऑन में तब्दील कर दें, क्योंकि मज़ा आता है ना ज़्यादा देख के। कि आज मुझे दाल मखनी भी बनानी है, एंड मेरी ग्रॉसरी में से दो चार चीज़ें मिसिंग है, वो भी मैं लेने जाना चाहती हूँ। तो बताना कि आपको ये कॉन्टेक्ट कैसे लगे। 15 दिन में मैंने कपड़ों को वॉश नहीं किया है, एंड धीरे धीरे मैं कपड़ों को मैनेज करने की स्टेट में हूँ। इनको फोल्ड करने में हिम्मत एंड हस्बैंड दोनों ने मदद की है। वो जगह जगह पहुँचाना भी बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि 15 डिफरेंट जगह पे जाएगा ये सामान। सो टॉवल से शुरू करते हैं, टॉवल्स जाएंगे उसकी जगह पे। एंड मुझे ट्राई ऑन हॉल वीडियो शूट करनी है, पर अब मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं कुक कर लेती हूँ, देन फ्री टाइम में कर लूँगी, क्योंकि हिम्मत भी आने वाला है। एंड उससे मैंने प्रॉमिस किया था कि आज मैं उसको दाल मखनी बना के दूँगी। एंड समय ऑलरेडी 2 बज चुके हैं, सो उसका आने का समय है अराउंड 3। सो 1 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि मैंने सुबह ही दाल मखनी रख दी थी, क्योंकि मैं स्लो कुक करती हूँ ना, सो वो बहुत अच्छी बनती है। सो दाल एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया था ना कि हमारे जो पीछे नेबर्स हैं वो भी टोरंटो से मूव हुए हैं, एंड उनका जो बच्चा है वो हिम्मत की क्लास में भी है, वो हैदराबाद से है जो। एंड वो कल ना हिम्मत उसको कह रहा था कि तुम हमारे घर में आना चाहते हो टूर करने के लिए, हाउस टूर। एंड वो कह रहा कि ज़रूर मैं अपनी मम्मी को पूछ के आता हूँ। देन वो चला गया अपनी मम्मी को पूछने के लिए कि मैं इनके घर में जाऊँ, और उसकी मम्मी ने कहा कि ठीक है। तो वो बालकनी से जंप करके आ गया घर को, देख के कह रहा वाओ योर हाउस इज़ सो कूल। एंड उसके बाद उसने हाउस टूर किया, एंड जब वो कह रहा था तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, एंड हिम्मत कह रहा आई एम वेरी सॉरी कि ना हमें पता नहीं था तुम आने वाले हो, वी डिडंट एक्सपेक्ट यू टुडे, इफ़ वी न्यू दैट यू आर कमिंग वी शुड हैव क्लीनड अ लिटिल। हिम्मत तो कह रहा कि अगर मैं पता था तुम आने वाले हो तो हम घर को थोड़ा क्लीन कर लेते, करा कि काफ़ी मैस है हमारे घर में आज, आई एम वेरी सॉरी। मैं और हस्बैंड इतना हंस रहे हैं कि लुक एट हिम। सो फिर उसके बाद जब उसका हाउस टूर फिनिश हो गया उसके दोस्त का, तो फिर उसने कहा कि अब हिम्मत तुम आ जाओ, मैं तुम्हें हाउस टूर देता हूँ। तो हिम्मत उसका घर का टूर करने के लिए गया था। जो हमारी अदर नेबर गर्ल है वो भी टूर करने के लिए, मैं कह रही आऊँगी तुम्हारे घर का टूर करने के लिए, कल आऊँगी। सो आज वो आएगी हाउस टूर करने के लिए पिद्दी सी। सो ये आजकल ना एक दूसरे के घर का टूर चल रहा है हमारे यहाँ पे। तो हिम्मत की क्लोजेट को डीक्लटर करने का समय आ चुका है ऑलरेडी। आई डोंट नो, वो इतनी जल्दी बढ़ जाता है, उसकी चीज़ें काफ़ी छोटी हो चुकी हैं, एंड जो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला सामान हो उसके नहीं, उसे नहीं आता है अब, वो मैं डोनेट कर दूँगी। एंड फॉल का क्लीन अप करना पड़ेगा उसकी क्लोजेट का। सो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें यहाँ पे उसी की क्लोजेट की। सो या ऐसे ही रखने वाली हूँ मैं उसके कपड़े। हिम्मत की क्लोजेट में ना कुछ चीज़ें मैंने उसकी रीच में ही रखी हैं, ताकि वो मुझे बार बार परेशान मत करे, क्योंकि यहाँ पे जब मैं रखती थी ना तो एक चीज़ निकालता है सारी फेंक देता है। तो ये बहुत अच्छा मैंने बना के रखा है, इसमें उसकी शॉर्ट्स हैं, वैसी टी शर्ट्स हैं जो उसे पसंद है, तो वो यहाँ से खुद से अरेंज कर लेगा। जब आप बीमार होकर ठीक होते हैं ना तो आपको होता है कि सारी चीज़ों को वॉश कर दो। तो मैंने ब्लैंकेट्स को भी वॉश किया है, बेडशीट्स को भी वॉश किया है, सारे टॉवल्स को घर के, एंड अभी भी सारे टॉवल्स को मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो बहुत सारे काम हैं बैक टू ट्रैक लाने के लिए मेरे घर को। सो धीरे धीरे हम लोग, अगर मेरी कोशिश होती है कि जो लॉन्ड्री का या धुलाई का काम है या क्लीनिंग का काम है वीकेंड पे करें, क्योंकि फिर हिम्मत भी हेल्प कर देता है, हस्बैंड भी कर देते हैं, एंड वीकडेज में ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे, इन चीज़ों में समय वेस्ट मत करें। आई एम डन विद दिस ऑल स्टाफ, एंड काम मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, एंड मैं सारा कुछ करना चाहती हूँ, पर फिर अगर मैं एक्स्ट्रा काम करूँगी तो मैं बीमार हो जाऊँगी। सो अब हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा कुकिंग के लिए तरफ जाएंगे, एंड मैं आपको बेसिक सी दाल मखनी की रेसिपी भी बताऊँगी कि कैसे आप रेस्टोरेंट स्टाइल बट स्टिल पंजाबी डिलिशियस राजमा डिलिशियस दाल मखनी बना सकते हैं घर पे, एंड सब लोग हैरान हो जाएंगे कि आपने कर क्या लिया है। सो दाल के बारे में डिटेल में मैं वीडियो कभी फिर बनाऊंगी, बट मैं आपको मोटा मोटा आइडिया देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। सो सबसे पहले मैं दाल को ओवरनाइट भिगो देती हूँ, पर आप 2-3 घंटे भिगोएंगे तब भी चलेगा। सो मैं बेसिकली लेती हूँ काली छिलके वाली दाल, एंड उसके साथ थोड़े से राजमा। लाइक अगर आप 3 हिस्से दाल के हो और 4th हिस्सा राजमा का हो, और कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी, एंड इसको बाइंड करने के लिए आप चना दाल डाल सकते हैं थोड़ी सी, पता नहीं चलना चाहिए कि इसमें चना दाल है अगर आप रेस्टोरेंट एंड ढाबा स्टाइल बनाना चाहते हैं। तो इस दाल को भिगो के रखेंगे, एंड सुबह उठ के इसको मल मल के धोएंगे, एंड इसका जो रंग है वो ग्रीन किस्म का हो जाता है, काला रंग उतर जाता है, एंड बहुत पतला छिलका हो जाता है। और वैसे ये दाल बहुत हेल्दी नहीं होती है, तो भिगो के रखने से वो सारा अनहेल्दी भी पानी में चला जाता है, तो पानी हम फेंक देंगे। नए पानी में कुकर में मैं 2-3 सीटी लगाती हूँ इस दाल की,
एंड फिर मैं उसको खुला कुक होने देती हूँ. बेसिकली मेरा होता है कि 60-70% मैं इसको कुक कर लेती हूँ एंड बाकी का परसेंटेज मैं इसको खुले में कुक करती हूँ. जितना खुला कुक होगा ये स्लो उतना ही डिलिशियस बनेगा. अब इसका जो तड़का है वो बहुत बेसिक है. मैं इसमें सिर्फ जिंजर गार्लिक एंड हरी मिर्च डालूंगी, उसका एक अच्छा मिक्सचर, खूब सारे टमाटर एंड इसमें मैं अनियन भी डाल लेती हूँ, पर आप अनियन स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं. सो इसको तड़का लगाने के बाद फिर से मैं अराउंड 20% इसको तड़के के साथ कुक करूँगी. जितना टाइम मैं कुक कर सकती हूँ मैं करती रहती हूँ, क्योंकि जितना कुक होता है उतना ही स्वादिष्ट बनता है. सो अब मेरी दाल ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है मेरे हिसाब से, अब मैं तड़का लगा दूंगी. तड़के की तैयारी करते हैं. तो इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा गार्लिक डालती हूँ क्योंकि बहुत हेल्दी दाल नहीं है ये, और मेरी कोशिश होती है कि मैं इसकी इतनी क्वांटिटी बनाऊं कि हम एक मील खा पाएं. अगले दिन बहुत बार हम नहीं खाते हैं, अगर खानी पड़े तो दोबारा से हिंग का तड़का लगा के खाते हैं. एंड आज मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मैं दो नेबर्स को देना चाहती हूँ, एक दिस साइड एक दिस साइड. सो उन दोनों को दूंगी, उनका डिनर हो जाएगा एंड मेरा भी हो जाएगा. सो पूरा गार्लिक डालूंगी मैं, गार्लिक बहुत ज़्यादा डालना चाहती हूँ मैं इस दाल में ताकि ये थोड़ी अच्छी हो जाए, और इस दाल का ये है कि गरम गरम खा लें. ओके सो अब हम बनाएंगे ब्यूटीफुल मसाला, जिसको आप कैसे भी बना सकते हैं, बट मैं ये पिद्दी से मैं बनाने वाली हूँ. सो इसमें बेसिकली होने वाला है ग्रीन चिलीज. वैसे मैं आज दोस्तों को दाल देने वाली हूँ तो मैं ज़्यादा ग्रीन चिली ऐड नहीं करूँगी. सो इसमें मैं खूब सारा गार्लिक एंड जिंजर ऐड करके क्रश कर लूँगी अच्छी तरह. अदरवाइज हम लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रीन चिली को पसंद करते हैं, लाइक तिक्खी दाल बनाते हैं हम लोग, पर आज दाल को तिक्खा इतना नहीं रखेंगे कि दूसरे लोग खा नहीं पाए. तो दूसरी दुनिया का ख्याल रखते हुए हम इसको अच्छी तरह क्रश कर लेंगे. सो दाल का रंग बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, पर फिलहाल वो अच्छा काला रंग है एंड इसे हम चेंज करेंगे लेटर. उसके साथ टमेटो का पेस्ट ऐड करूँगी मैं, उससे बहुत अच्छा रेडिश कलर हो जाएगा. अब मेरी दाल कुक है तो इसमें मैं क्रीम ऐड करूँगी ताकि ये मक्खनी बना दे, उस वो क्रीम लेटर मक्खनी में ट्रांसफ़र हो जाए. तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी 33% क्रीम. 33% क्रीम मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये दाल मक्खनी के स्टाइल की चाहिए. सो इतनी क्रीम इनफ है. वैसे मैंने अराउंड 150 ml क्रीम की ऐड की है इसमें. सो इसे आप अच्छी तरह कुक होने देंगे क्रीम में ताकि ये मिठास छोड़ दे, अच्छी मक्खनी वाली मिठास. एंड इसमें इस समय में मैं थोड़ा सा बटर भी ऐड करूँगी. सो इस प्रेशर कुकर में अराउंड इतना चंक बटर भी ऐड कर दूँगी मैं. अब सो दूसरी साइड पे हम तैयार कर लेते हैं तड़के की. ऐसे स्लो कुक होने देंगे ना तो छोटी गैस पे कर देते हैं. ओके सो अच्छी तरह मेरी दाल कुक हो रही है एंड इसको हम ढक देते हैं. एंड तड़के में मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी. बहुत सारे दोस्त सोचते हैं कि ऑलिव ऑयल को हीट नहीं कर सकते हैं. ये वर्जन ऑलिव ऑयल नहीं है, ये हीट को सह लेता है. ये हम कॉस्को से लेते हैं. पहले जीरा ऐड करेंगे, देन ये जो जिंजर मिर्ची एंड गार्लिक का पेस्ट बनाया है ये, एंड देन टमेटो, देन वी आर डन. इसमें आज मैं स्किप करने वाली हूँ. मैं आपको बताऊँ गाइस, कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं अच्छा खाना बनाने, लाइक अच्छा खाना बना लेते हैं, वो ब्लेस्ड होते हैं. मैं उन लोगों में से नहीं हूँ. ओके मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जो कुछ भी करे अच्छा ही बनता है. ओके एक्चुअली रब दी मेरा, मैं रब वापस मत ले ले, किसी दिन गुस्सा होगी. सो अब ये सारा लाइट के बिना आपको दिखता नहीं और उसके बिना मुझे दिखता नहीं है. सो ये सारा गार्लिक एंड मिर्ची एंड लहसुन का मसाला इसमें ऐड करेंगे. जितना बारीक होगा ना उतना ही अच्छा लगता है, उतना ही रेस्टोरेंट क्वालिटी लगेगी. मोटा मोटा इतना अच्छा नहीं लगता और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं. राइट, कोई भी चीज़ का ना फ्लेवर नहीं आ रहा है तो मैंने सोचा कुछ फ्लेवरफुल सा बनाते हैं आज. सो मसाले के नाम पे मैं ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ, सिर्फ धनिया पाउडर एंड जीरा पाउडर ऐड करती हूँ एंड कोई गरम मसाला, कोई दाल मखनी मसाला नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनसे ना इसका जो ओरिजिनल फ्लेवर वो ख़राब हो जाता. आज ना सुबह हिम्मत की बस लेट थी और उन्होंने कोई ईमेल हमें सेंड नहीं की एंड हिम्मत एंड हस्बैंड बस स्टेशन पे खड़े रहे. बस का समय था अराउंड 3:39 पे बस चलती है यहाँ से एंड बस आई नहीं. सो फिर हस्बैंड हिम्मत को छोड़ के आए एंड 8 बजे ईमेल आई कि बस लेट हो गई. 8 बजे आने का क्या मतलब, राइट? तब तक तो बनना कुछ नहीं. दाल के तड़के ना दोस्तों प्यार से लगा लें, बहुत प्यार से. जितना आपके दिल में प्यार है ना सारा उमाड़ दें इसमें.
मुझे क्लीन अप भी करना चाहिए साथ साथ में, नहीं तो बहुत डिजास्टर हो जाएगा। सो टमाटर को मट्ठी मट्ठी आग पे प्यार के साथ खोले देते हैं, हम थोड़ा ना क्लीन अप कर लेते हैं यहाँ से। Let's take it to the start. It was just me and my guitar, a dreamer on the road, no map, just all those stars. I never backed away, I played where I could play. Loneliness befriended me, felt older than my age. I let go a little, I fell for something. गाइस मुझे ना मेरी कॉफ़ी भी लेने जाना है डबल डबल, एंड आई एम वेरी अनहैप्पी अबाउट इट, मेरी फिनिश होती है एंड कॉस्को में मिली भी नहीं मुझे। कॉस्को वालों ने ना शायद रखनी बंद कर दी क्योंकि वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई, कॉस्को का सामान काट देता। सो टमाटर ने अच्छी तरह कलर छोड़ दिया, आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं, क्योंकि मैं ना अपने लिए चाय बनाने वाली हूँ, इसलिए मुझे कॉफ़ी का याद आया था कि कॉफ़ी नहीं है मेरे पास। सो अब मैं डालूँगी धनिया पाउडर एंड जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी नहीं डालेंगे, थोड़ी काली मिर्च एंड नमक मैंने ऑलरेडी थोड़ा ऐड किया था, बाद में देखेंगे कि ज़रूरत है या नहीं, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अगर मैं आपको दिखाती हूँ कि तड़का इतना मज़ेदार दिख रहा है ना, इतनी अच्छी तरह कुक हुआ है। सो जो आप स्लो कुक करते हैं ना तड़के का भी, उसका भी अलग से फ्लेवर आता है मट्ठी मट्ठी आग पर। अगर आप एकदम से हाई हीट पर कुक कर देते ना, उसका वो फ्लेवर नहीं छोड़ती चीज़ें जो स्लो कुकिंग में छोड़ती है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, राइट। और अब इसमें थोड़ा सा टमेटो पेस्ट ऐड करूँगी, ये क्रश्ड टमेटोज एंड अच्छी तरह क्रश्ड रहेंगे, और इससे दाल का रंग इतना ब्यूटीफुल रेडिश किस्म का हो जाएगा ना, बहुत खूबसूरत लगेगा। सो अब मैंने ये टमेटो पेस्ट भी ऐड कर दिया है, अब इसको थोड़ी देर और कुक होने देंगे। जब ये अच्छी तरह तेल छोड़ देता है तो हम इसको दाल में डाल के उसको थोड़ा और कुक होने देंगे। आई डोंट नो और कुक होने देंगे और कुक होने देंगे कितनी बार बोल रही हूँ मैं, पर जितना कुक होगा उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। तो ये दाल भी बहुत खूबसूरत लग रही है, आपको मैं एंड रिजल्ट दिखाऊंगी, बहुत मज़ेदार है। अब ये कुक हो चुका है, अब इसको इसमें ऐड कर देंगे, एंड लेटर अगर मुझे लगेगा कि नमक एंड बाकी चीज़ों की कसर है वो ऐड कर देंगे हम। सो तड़के को ऐड करके ना दाल की कुछ रंगत ही बदल जाएगी। मैं फ्रेश इन्ग्रीडियंट्स के साथ कुक करना ही पसंद करती हूँ। टमेटो पेस्ट को ऐड करने का ज़्यादा रीज़न ये है कि वो रंग बहुत अच्छा कर देता है आपकी करी का। राजमा में भी मैं कई बार ऐड कर लेती हूँ इसी वजह से, क्योंकि जो ये लाल लाल सा रंग आता है ना। अब ये कुक होगी और स्लो कुक करेंगे हम इनको। हिम्मत के आने में 15 मिनट बाकी है, एंड हिम्मत अब ये दाल खा पाएगा, उसे ये दाल बहुत अच्छी लगती है। एंड जब तक मेरी डिश एंड प्यार से कोई बनाएगा सारा दिन लगा के, तो क्यों नहीं कोई चीज़ और बनेगी। हस्बैंड को लगता है मेरे हाथों में जादू है, वो एक्चुअली स्लो कुकिंग का जादू है, मेरा जादू नहीं है। गाइस हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आता है ना, तो हस्बैंड हमेशा कहते रहते हैं ये बहुत अच्छा कुक कर दिया। अगर वो कहें ना हमें वो बहुत अच्छा का लगता है, वो कहेंगे तुमने इसके हाथ का खा के नहीं देखा। अगर हम कहीं पे जाते भी हैं ना तो भी ऐसे करते रहते हैं। मुझे लगता है कि किसी बंदे को शायद अच्छा नहीं लगे कि ये पता नहीं अपनी वाइफ की नहीं तारीफें कर रहा है, और बेशक उनका कुकिंग मुझसे ज़्यादा अच्छा हो, मैं उनको कहती हूँ प्लीज़ ऐसे मत करा करो, मुझे एम्बेरस करते हो आप। क्या नहीं, अगर कोई कुछ भी करे ना, इस रेस्टोरेंट की दाल मखनी बहुत अच्छी होती है, क्या है तुमने इसके हाथ की खा के नहीं देखी। तो वो कहेगा कि पता नहीं ये बहुत ही अपनी पत्नी का फैन है। अगर वो खा के खुद से डिसाइड करे तब तो अलग बात है। यहाँ मेरे होते जाके ना ऐसे करते रहते हैं, मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ाते रहते हैं कि जितना पता नहीं मेरा रिश्ता कराना है उनके साथ। मम्मी नहीं करती, मेरी बच्ची बहुत अच्छा बनाती है। आप अपना बच्चे का रिश्ता किसी को दो, वैसे करते हैं। गुस्सा आया था मुझे कई बार, आज उनके रिव्यूज़ लेंगे जानूंगी कि कैसे है, उनको अच्छा लग रहा है या नहीं, खुश हो जाएंगे वो बेचारे। बीमार है ना जब से हम, हमें फ्लेवर ही नहीं पता चल रहे। अभी ये दाल मखनी का फ्लेवर खा गया ना मेरी, अब खान कान खुल गए कि वो फ्लेवर्स वापस आ रहे हैं। तो मेरा डिनर तो हो गया, समय हुआ है ढाई बजे डिनर हो गया, और क्या चाहिए। वैसे अभी लंच समय है ना, तो इसी से डिनर करेंगे हम, पर मैं हिम्मत को इसके साथ प्रॉन की बना के दूंगी, एंड डिनर में हम मुझे लग रहा है राइस कुछ खाएंगे, मटर पुलाव खा लेंगे। दोस्तों के घर में गए, और वो मुंबई से हैं, वो इंडिया से, सॉरी पंजाबी नहीं है, तो वो बता रहे थे कि उनको पंजाबी फूड कितना अच्छा लगता है। एंड हस्बैंड कह रहे तुमने इसका खा के नहीं देखा, वो कह रहे मुझे दाल बहुत अच्छी लगती है, कह रहे तुमने इसकी खा के नहीं देखी। मैं भरा बस
सो वहाँ पे इनिया मेरी तारीफा करके आए हैं ना, अब मुझे बनाना पड़ेगा उनके लिए किसी दिन, अगर अच्छा नहीं लगा ना उनको तो मेरी बेइज्जती होगी बाद में। किला बहुत बढ़िया, हस्बैंड ने एक्सपेक्टेशन बड़ा आ जाते हैं दुनिया की। वैसे मुझे लगता है कि पंजाबी खाना बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, लाइक पंजाबियों को तो लगता ही है, और भी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो नॉन पंजाबी हैं इंडियन, उनको भी पंजाबी खाना बहुत अच्छा लगा, लाइक गुजराती लोगों को, मुंबई वाले लोगों को, एंड और भी बहुत सारे लोगों को। वैसे हमारा खाना बहुत ज़्यादा टशन मशन वाला नहीं है, नट्स नुट्स नहीं डालते हम, सीधा साधा सिंपल फ्लेवर वाला है, सिंपल चीज़ों वाला, कड़ कड़ के बनाते हैं हम, चूल्हे पर रख देते हैं सवेरे शामी खा लें, बस उसी में फ्लेवर है ना, और या फिर पंजाब का प्यार है। व्हाट यू गाइस से आई कांट मूव, गरम मत आना। कोई सवाल है ना, ढाबा खोल ला कनाडा, चूरमा लनी सवाल है ना, जिम तो जोड़ लाते रहने घर आ गए, चलो कि पुराने कि पहले टाइम कोई चंगे कर्म किए। मैं गाइस एक्चुअली बहुत स्वाद बनी है, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगी। वैसे मुझे ना हर टाइम नुक्स निकलते हैं मेरी अपनी चीज़ में, मैं बहुत कट सेटिस्फाइड होती हूँ, पर आज वाकई मैंने भी बहुत स्वाद लगी, मेरे टेस्ट बट है नहीं, पर इन खा के ना टेस्ट आ गया बहुत दाल का, तो मुर्दे मुर्दे में उठा। अच्छा मीमी ली कर लो, दो मेरे लिए भी कर लो, ओके सो मैं बनाने वाली हूँ रोटी, एंड रोटी मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड परांठा खाना चाहते हैं, पर मुझे लग रहा है कि तंदूरी रोटी बेटर ऑप्शन है क्योंकि उस पर इतना ऑयल नहीं लगेगा। तो मैं अपना बकवास तवा लेके आई हूँ ताकि रोटी उस पर चिपक जाए, एंड रोटी बनाते हैं फिर हस्बैंड जी तंदूरी रोटी, तंदूरी स्टाइल रोटी, तवे को उल्टा पुल्टा कर। आई होप हस्बैंड को अच्छा लगेगा। एक्चुअली आज पूरा मील मैंने लगता ढाबे स्टाइल होने वाला है क्योंकि कल का बैंगन पट्टा भी है हमारे पास, एंड मेरे हस्बैंड के लिए सिरके वाले अनियन भी बनाते हैं, हस्बैंड ने पूरी सेवा कर दी है। क्या हस्बैंड डिजर्व करते हैं? नहीं, हस्बैंड अपने लिए अंडे छिल रहे हैं। ओ यार अंडा छिलोगे क्या? हस्बैंड को बहुत टाइम लगेगा। ओके सो हस्बैंड का मील तैयार है, तंदूरी स्टाइल रोटी, सिरके वाले प्याज, पराठा एंड दाल। अब उनके रिव्यू लेते हैं। ओके किद्दा है बाबू? पराठा इज वेरी गुड। पराठा नहीं दाल, दाल के पराठे। यू वांट राइस? नो थैंक्स। यू हैड लंच? या आई हैड लंच। व्हाट यू एट फॉर लंच? I ate rice. Well, you are good, that's it. You guys eat Punjabi food? दाल एदा जिदा ट्विटर का स्टॉक आ। ओके दोस्तों मेरे खाने की बारी आ गई है, तो मैं बैंगन भरता, एक रोटी एंड सिरके वाला प्याज एंड दो अंडे भी खाने वाली हूँ, एंड दाल। दाल फ्रेश फ्रेश खाना सबसे ज़्यादा अच्छा है भई, करें मत खाओ बहुत दाल बढ़िया लगी तो। तुम ना दिल खुश करने वाले रिव्यू नहीं देते हैं, लाइक थोड़े को शब्द मुक गए दाल, लाइक
ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਯਾਰ ਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਪਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਐਦਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਐਂ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲੂਗੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਾ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਪਰਥਾ ਪਰਥਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਸੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ So something kind of crazy. Call me, baby. Call me, you're the call, baby. I'm looking, but if you want to, we could do something kind of crazy. How about you? Call me, baby. Cause I've been, call me, baby. I know it's kind of crazy, but if you're down for me, let's do something. Be so shy, just call me, baby. Don't keep me waiting, yeah. Am I the one you're dreaming of? Dinner ka time hoya te ae shangar mangar kari jande ek ek cheez to hi aande oh ve inni der la lage to dal ke banda restaurant kidda chalaunga to dal pyaaz hi ro yaar koi yaar dil di khani hoyi to na pya main jaldi kar finish ho ओके हस्बैंड के डिनर के लिए उन्होंने क्या किया है शकरकंदी एंड ब्रोकली को कर रहे हैं एंड गाजरा क्योंकि उन्होंने लाइक लंच काफ़ी लेट किया था आई थिंक 3:30-4 के अराउंड सो इतनी भूख नहीं है उनको पर फिर भी वो कुछ खाना चाहते हैं कुछ न्यूट्रिशियस एंड फिर मैं अपने दोनों पड़ोसियों को दाल दे के आई थी एक पड़ोसी के रिव्यू आ गया है कि उनको बहुत अच्छी लगी अब वो साउथ से है ना तो मैंने उन्हें पूछा कि आपको पंजाबी फूड खाना अच्छा लगता है वो कह रहे पंजाबी फूड किनू चंगा नहीं लगा अरे कैसा क्वेश्चन है ये पंजाबी तो खाते हैं हम जब बाहर जाते हैं ठीक ही खाने बाहर जा गए नहीं पंजाबी खाने हाँ लोग पंजाबी खा के हम लोग पछताते हैं हम सोचते हैं कहते तू वधिया बना लाना तू वधिया बना लाना तो हम लोग डोसा ज़्यादा खाना पसंद और हिम्मत और वो दोस्त है वो रोज़ ही डोसा खाते हैं दोपहर में उनके बच्चे को जब पूछ लो तुमने क्या खाया लंच में वगैरह डोसा खाया डोसा हिम्मत कहना व्हाट यू हैड फॉर लंच टेल मी इज इट डोसा या डोसा ओके सो जब मैं अपनी वो गुजराती दोस्त को दे के आई हूँ ना दाल उसने मुझे ये दिया है कुछ मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं पर उसने कहा कि ये कुछ स्पेशल है वो इसका ब्रेकफास्ट करते हैं दुशहरे वाले सुबह को कल दुश फाफड़ा खाखड़ा आई डोंट खाखड़ा तो नहीं लग रहा है मुझे फाफड़ा है शायद गागरा गागरा सो मुझे लगता है ये फाफड़ा है एंड इसके साथ खाने के लिए उसने चटनी भी दी है यार इतना हल्का फुल्का भोजन कोई ब्रेकफास्ट ही करेगा ये ऐसी चाह के साथ खा लेंगे उसके बाद हम पराठे खाएंगे है ना नाराज ही हो जाए कि ये ऐसा नाश्ता दिया तुम मुझे नाराज हो जलेबी खाएंगे और मेरे पति ये खाने के बाद पराठे खाएंगे हूं आलू के परौंठे ला ला बेचारा भी घूमी गया इधर तो उधर देखी मैं एडिया तड़के ला के चार डिशा बना दी तू ही गाजर कट्टी आ हरी हौली हौली उधर तू ही रेस्टोरेंट खोल लो तू ही तो फूड ही ना पचाओ टेबल आ गए क्यों पचाओ तू ही एडी को मिल जाना ऐसा पॉपड़ लेके किधर ना घूम क्या करूं मैं क्या तू गले अच्छा दे। अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा है आप ओके सो मैंने हस्बैंड की ये सारी सच्चाई कि वो क्या कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे अपलोड की है अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं ना करते जल्दी से कर लो क्योंकि वहाँ पे आपको सच मिलेगा बहु कोई गैंडा ही सो क्यूट कई लोग हैं जो बिल्कुल पहचान लेते हैं मुझे मैं कैसा होती हूँ क्यूटनेस मैनू तो दिख रही नहीं कोई कहना कि तो तुम वेख के मेरी रात बन गई एंड आई लव द वे यू टॉक टू ईच अदर स्टे ऑलवेज अवे फ्रॉम ईवल आईज थैंक यू सो मच अमारा कामरान ने क्या है उन्हें बंद ने कितनी देर अपनी चीज़ा वेखनिया और वेखन क्यों दे सर हो गया मील तैयार शेकी शेकी ये तो रुको ही वो पै गया ना अरे नाला पानी नुचड़ जाता अभी रुक जाओ
रुके हुए हैं, अही कितने चले हैं दोनों एक बार, कहते ये सारी जिंदगी भी रुक गई है। ओके दोस्तों, मैं आपको ना एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैंने बताई नहीं है। ये हस्बैंड खा रहे हैं शक्करकंदी एंड गाजर एंड ब्रोकली, उसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर रहे हैं। तो हस्बैंड ना कुछ साल पहले तक शक्करकंदी को ना शक्करगंदी बोल रहे मैं शक्करकंदी खानी, मैं शक्करकंदी मेरे हस्बैंड को ना शक्करकंदी स्वीट पोटैटो बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे नहीं पता था कि इन्हें इतना पसंद है, मुझे लग रहा कि ये सिर्फ हेल्थ रीज़न से खाते हैं, पर ये कह रहे हैं कि मुझे इसका टेस्ट ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे शक्करकंदी बिल्कुल पसंद नहीं है, पर इनको बहुत अच्छी लगती है। इंडिया वाली ज़्यादा पसंद है जो होती है मीठी में, कट बादाम। तू ओवर एक्टिंग कर रहे हो, उन बादाम खाने की लोड़ नहीं है तुम्हें, ये अपने ना हमें गार्निशिंग करी आना, बादाम तो तू खा लेते ऑलरेडी, एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड ना करो, तू ओवर स्मार्ट बन रहे हो। काली मिर्च का तड़का, अंग अंग भड़का। ओके, मैं कह रही थी हस्बैंड कह रहे मैं शक्करकंदी खानी, मैं शक्करकंदी खानी, जड़ी चीज़ ही गंदी उसको। अच्छा, तो उन्होंने ये तैयार किया है, अच्छे बादाम ऐड कर लिया, वो ना ऐसे चाहते कि उनका जो फ्लेवर है बहुत खूबसूरत लगे और लोग की गंध पहुँची, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और प्रोटीन मिसिंग है वो कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दोपहर से खा लिया, और वैसे भी ना आज हम लेट हो गए खाना खाने के लिए, 8 बज चुके हैं, इस समय हम पेट भर के सोते नहीं हैं, हम पेट खाली करके सोते हैं। ओके, सो इसी तरह होता है आज मेरे दिन का एंड। 8:35 हुआ है अब, अपस्टेयर जाके मैं स्किन केयर पे अराउंड 15-20 मिनट स्पेंड करूँगी, उसके बाद मैं और हिम्मत बेड पे चले जाएंगे। हमारी कोशिश होती है कि हिम्मत सो जाए 9:15 मैक्सिमम 9:30 तक, एंड मैं भी कोशिश करूँगी सोने की, क्योंकि मुझे भी कल जल्दी उठना होता है हिम्मत के साथ। उसके बाद मैं दोबारा बेड पे बिल्कुल नहीं जाती हूँ, ना ही दिन में, कभी भी नहीं, बेशक जितना मर्जी टायर्ड फील करूँ। तो आज वैसे मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, सो अब मैं जाने वाली हूँ बेड को, मैं कल मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक ये अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलो दोस्तों, यू गाइस अ ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, आई लव यू गाइस सो वेरी मच। और बताना मुझे आपको कौन से कलर के लेंस अच्छे लगे, मुझे ये अच्छे लगे क्योंकि ये मेरी नेचुरल आँखों से थोड़े से ही इधर उधर है, ज़्यादा ओवर नहीं है। मुझे मेरे सोशल मीडिया पर ज़रूर से फॉलो कर ले अगर आप लाइव स्टोरीज देखना चाहते हैं। ओके, बाल ना तेल के साथ भर गए हैं, इतने ज़्यादा भर गए ना, सो इरिटेटेड। और एक दोस्त का मैसेज आ गया था कि उसको दाल अच्छी लगी बहुत ज़्यादा, तुझी का आया नहीं, उसका अपडेट मैं आपको फ्यूचर में दूंगी, आएगा या नहीं आएगा मुझे पता नहीं है, पर मैं उसको बोल के आई थी मुझे मैसेज करना कि तुम्हें कैसी लगी बताना। I love you, I love you.